सुनियो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पहला प्लेबैक सिंगर अनैसन भट्टी। उस बंदे ने फिल्म इंडस्ट्री नू 40 वरे दिते, बड़िया बड़िया फिल्मां ते बड़े बड़े आला तो आला रोल ते बहुत कुछ उस बंदे ने फिल्म इंडस्ट्री नू दिता। लेकिन पता जे इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उस बंदे नाल आखिरी उम्र की जाके हशर किया, खासकर उहदे जनाजे विच की इन्हां लोगों ने उहदे नाल जुल्म कीते। मैंने यह सुनांदिया एक मेरा दिल समझो कि रो रहा है कि यार किन्ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे फिर जो असी गल करने हैं ना इन्हां दी हरकतां दे उत्ते, फिर लोग आते हैं नहीं जी नहीं वो इस तरह के लोग नहीं, वो बड़े रहम दिल ते फलान टमकान। लेकिन असलियत इन्हां लोगों की यह होंगी है, सुन लो कि इन्हां लोगों ने जदों 1999 के दौर से जदों उन्होंने वफात होंगी है ते तुहानू अगे चल के पूरी कहानी मैं दसना वा कि उस वेले दे फनकारा ने इस बंदे दे नाल कीता की सी। हुण सोच लिओ उस वेले फनकार किहड़े किहड़े सन। मैनूं तख्त हजारे लै चलने। ओ पोलीए तैनूं की पता है तख्त हजारे दीआं सुंझियां वावां कत्त तेरीआं राहां तक रहीआं ने। सुणिओ नैसन भट्टी होरां दीआं कोई दो चार गल्लां दस के ना ते इक गल दी नींह बन के ते फिर मैं तुहानूं इस गल दा जिहड़ा खुलासा है ना पूरी इस वीडियो दा यानी कि उहदे उत्ते लै चलना वा कि उन्होंने जनाजे ते इन्हां लोगों ने की उस बंदे नाल कीता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का तुहानूं पता है कि पहला प्लेबैक सिंगर अनैसन भट्टी। फिर 1955 विच जिहड़ी एक हीर फिल्म बनती है पाकिस्तान विच उस बंदे ने उहदे विच रांझे का करैक्टर किया। फिर मशहूर चीज़ा उस बंदे दीआं भागां वालियो नाम जपो मौला नाम किड्डा मशहूर है जिहड़ा गीत सब तो पहले भट्टी साहब ने गाया। तो फिर चन्न मेरे मखणा हस के एक पल इधर तकना यह भी इन्हों का मशहूर गीत है जिहड़ा सब तो पहले इन्होंने गाया। फिर दुनिया मतलब दियो यार वह भी इन्होंने गाया। फिर 1968 विच उन्होंने चन्न मखणा फिल्म बनाई। वह वेला उदों सी कि जदों अदाकारा राणी नूं मनहूस अदाकारा समझा जाता सी कि जिहड़ी फिल्म विच आ गई उहदी डंड लै जाएगी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इस बंदे ने रिस्क लिया कि उस कुड़ी नूं अपनी फिल्म लै के हीरोइन अपने नाल कामयाब कर दिता कि उहदे भी बच्चों की गां रोजी लग गई। हाँ जी घर वाले का निजाम चल गया तो यह फिल्म जी सुपर हिट हुई। जी करदा तेरी तस्वीर बनावा। क्यों मैं कि टुट चली गल वीरानो तू कोल ना होगी तो तेरी तस्वीर नाल गल्लां कर लिया। अनैसन भट्टी साहब सुनियो इंडस्ट्री का बहुत वड्डा नाम है, कोई छोटा नहीं। अगर उन्होंने मैं चीज़ा इतने गनवान बह जावा ना तो कई घंटे चाहिए ने, पर मेरा मकसद अज उन्हों की कोई बायोग्राफी फिल्मोग्राफी नहीं, सिर्फ उन्हों का दर्द बयान करना जिहड़ा कि मैंने लग्या कि इंडस्ट्री वाले ने उस बंदे नाल ज़्यादती की थी। फिर इन्हां यह पंजाब का खास पुत्र पंजाब का पंजाब धरती का पुत्र इस बंदे की पंजाबी ते पंजाब नाल मुहब्बत की मिसाल सुन लवो। उस वेले दे नगरान वजीर आजम मिराज खालस साहब उन्होंने इन्हों आख्या कि तुहाडा नाँ अनैसन भट्टी नहीं पंजाब हुसैन भट्टी होना चाहिए, यानी कि बंदा इन्नी इस मिट्टी नाल इस बंदे नू जिहड़ी है ना इहदी मुहब्बत इन्हां दे विच रस्सी बची सी। फिर एक होर भट्टी साहब की वड्डी गल सुनो, पता जे गुलूकार मुहम्मद रफ़ी साहब किड्डा वड्डा नाँ हिंदुस्तान विच होया। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू विच आख्या सी कि पाकिस्तान दीआं फिल्मां क्यों कामयाब हुंदीआं ने, उहदी उन्होंने वजह दसी रीज़न दसी। उन्हें आख्या कि पाकिस्तान कोल बहुत वड्डे दो गुलूकार ने, दो आवाज़ां बहुत वड्डियां ने जिहदी वजह तों उन्हां दीआं फिल्मां जिहड़ियां कामयाब हुंदीआं ने, एक मैडम नूर जहां ते दूसरे अनैसन भट्टी साहब। पाकिस्तानियों किड्डा किड्डी वड्डी गल वेखो तुसीं, लेकिन असी कीता की उन्होंने नाल वह भी तुहानूं दसना। फिर 1972 विच उन्होंने एक पाकिस्तान की पहली डायमंड जूबली पंजाबी फिल्म बनाई जुल्म दा बदला। ऐसी शानदार फिल्म है, उहदे विच एक पंजाब दे एक समझ लो गैरतमंद भरा दा रोल उन्होंने कीता कि जिहदे विच वह टोका लै के ते जग्गी मलक दा हथ वड़ देंदे ने कि हिस्टोरीयन कहिंदे ने कि उस वेले जदों इह फिल्म सैनमे ते लगी सी ना ते जदों इह सीन आउंदा सैनमे च बैठे लोगों दीआं चीकां निकल गईआं सी खासकर बीबियां दीआं। ऐसी शानदार अदाकारी उस बंदे ने कीती है कि मैं कहना कि वाह वाह हो गई। आवाज मार ले अपने भरा नूं, मैं चुक लगा तैनूं, टक ले मैनूं।
लो जी भट्टी साहब की गल तो बड़ी लंबी है मगर मुख्तसर नेवे कि उस बंदे ने 60 फिल्मों में अदाकारी की ते घटो घट 500 गाउन उस बंदे ने उर्दू ते पंजाबी गाए खासकर पंजाबी जो उस बंदे ने बड़ा ना कमाया फिर कई फिल्मां उस बंदे ने प्रोड्यूस कीतियां यानी कि पैसा ला के बनाईयां ते अपने भरा नूं उस बंदे ने एडा वड्डा हदायतकार बनाई दा कैफी साहब फिर 4 फिल्मां दी खुद भी इस बंदे ने हदायतकारी कीती यानी कि हर शोबे च इस बंदे ने अपना नाम बनाया ते दस्या लोकां नूं कि पंजाब दे बड़े बड़े सूरमे ने उन्हां सूरमियां चों इक मैं वी हां ते फिर सुनियो वह वेला आ गया कि जदों भट्टी साहब बीमार रहन लग पे वडेरे हो गए सन 1995 ये बीमार होंदे ने खैर इलाज मुआलजे कराते रहे लेकिन कोई गल ना बनी कि 4 वरे तीकर मंजी ते रह के उन्होंने बीमारी नाल लड़ते रहे 1999 फिर रब सुने नूं प्यारे हो गए हुण भट्टी साहब 1999 जदों फौत होंदे ने ना जिस दिन पता जे उस बंदे ने 40 वरे फिल्म इंडस्ट्री नूं दित्ती ते तरक्की ते अरूज दित्ता उस बंदे ने पर 1999 दे फनकार तुसी वेख लो कि उस वेले केड़े केड़े सुपरस्टार सन केड़े केड़े हीरो उस वेले उन्हां दा तूती बोलिया सी 99 विच मैनूं नां लैण दी लोड़ नहीं तुहानूं पता ही है कि केड़े केड़े ने भट्टी साहब दे जनाजे ते एक भी फिल्म इंडस्ट्री दे बंदे ने जिहड़ा ना उह शिरकत करनी गवारा ना कीती इन्नी असी कदर करते जी अपने लैजेंड्स की अपने सीनियर की इन्नी कदर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में की जाती जी तो जे घर वाले इज्जत नहीं देंगे तो बहरले किसी का दिमाग खराब है इज्जत देगा फिर तुम रोना रोंदे हो जी साढ़े खिलाफ लोग वीडियो करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से लोग गल करते हैं क्यों ना मौके तो तुम खुद फराहम किए हैं सब कि तुहाड़ा हक नहीं बनता यार वैसे भी जरा एक इंसान एक मुसलमान फौत हों ते हक बनता यार कि जाके जनाजा पढ़ो तुसी कल तुसी नहीं मरना फिर वो बंदा जिन्हें इस जिदी जिथे तुसी इंडस्ट्री में अज अपने बच्चों वास्ते रोटियां कमा रहे हो अल्लाह ने तुहानू इज्जत दौलत शोहरत दित्तियां ते उस इंडस्ट्री में रहिंदियां यार तुहानू कदर नहीं एहसास नहीं अपने सीनियर्स की कि एक बंदा इंडस्ट्री में जिन्हें खून दे के पालिया कि तुसी उहदा जनाजा पढ़ना भी गुवारा नहीं किया उस वे हिसाब ला लो 99 किन्ने लोग सुपरस्टार से लेकिन किसी ने भी भट्टी साहब के जनाजे से जाना गुवारा नहीं किया यह दुख ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साडे लैजेंड फनकारा के असल में ये कि इतने चढ़ते सूरज में सलामा ने जे किसी की गुड्डी उड्डी है ना तो बस वो अगे पिछे मरते फिरनगे जे जरा कोई जवाल आ गया ना फिल्मा नहीं मिल रही उसकी जगह के होर बंदे ने आके जगह ले ली हो बस फिर वो पहला जो भावें जिन्ना मर्जी सीनियर है जिन्ना मर्जी उस्तादा का उस्ताद है वो फिर कोई वैल्यू नहीं कोई कदर नहीं ता ही तो इंडस्ट्री के बेड़े गर्क हो गए ने ना पहले जोड़े लोग होंगे सी ना 80, 70, 60, 50 के दौर में वो लोग एक दूजे की इज्जत करने वाले हया करने वाले कदर करने वाले लोग से अपने मोस्तरा भुलते नहीं सी होंगे लेकिन जदों असी एहसान फरामोशी तो उतर आए तो फिर तुहानूं पता ही है जो हालात साढ़े नाल हुंदे ने अल्लाह पाक जी भट्टी साहब दे दर्जात बुलंद फरमाए मालक अगला जहान उन्हां दा सवारे जी ते सानूं सब नूं भी अपने वड्डियां दी कदर करन दी हया करन दी तौफीक अता फरमाए रब रखा।